फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए वो लॉजिक गेम जिससे मैंने 1 लाख से 80 लाख रुपए बनाए। और ये मैं अब से नहीं कर रहा हूं, ये स्ट्रेटेजी को मैं पिछले 8 साल से रेगुलर बेसिस में यूज कर रहा हूं। और एवरी 6 मंथ में एक चैलेंज लेता हूं और उसमें छोटी कैपिटल से बड़ी कैपिटल करता हूं। चलो समझते हैं, सबसे पहले 3 टाइप्स के लॉजिक्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ। चलो, तो लॉजिक गेम बाय पंकज भारद्वाज, ओनली लॉजिक्स, नो ट्रिक्स, नो चार्ट, नो टेक्निक। गेम आपके सामने है लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता है, तो आखिर ये ट्रिक है क्या? चलो समझते हैं। दिस स्ट्रेटेजी इज ओनली फॉर द लॉजिकल ट्रेड। जिन लोगों को लॉजिक्स में बिलीव है, ये स्ट्रेटेजी उन्हीं लोगों के लिए काम करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला लॉजिक है वो है थ्री सोल्जर्स। मैं सभी को वन बाय वन बताऊंगा ये कैसे काम करता है, कैसे चलता है। थ्री एनिमीज, राइट, टू कोमा। तो ध्यान रखना, ये 3 टाइप के लॉजिक्स हैं जिनको मैं रेगुलरली बेसिस पे यूज करता हूँ। और आप लोगों को बताना चाहूंगा एक बात कि ये जो लॉजिक्स है ये विजिबल है मार्केट में देखना, लेकिन आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये सब चीजें मार्केट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीजें आज हम समझेंगे। और कैसे इन चीजों का इस्तेमाल करके मैंने एक छोटी कैपिटल से बड़ी कैपिटल बनाई। एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से अकाउंट में छोटी कैपिटल से बड़ी कैपिटल बनाई। चलो समझते हैं सबसे पहले थ्री सोल्जर्स का गेम। तो सबसे पहले समझते हैं थ्री सोल्जर्स का गेम। तो ये थ्री सोल्जर्स का गेम क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें ऐसे 3 सोल्जर्स चाहिए जो वन साइड हो, और उसके बाद एक सिंगल कैंडल उन तीनों कैंडल्स को डाइजेस्ट कर लो, राइट। ये जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो वही पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। 1, 2, 3, इन तीनों कैंडल्स को पूरा डाइजेस्ट कर लिया और उसके बाद स्टॉक्स अचानक से रिवर्स हो गए। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि हम लोग कैसे जानेंगे कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। तो गाइस, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऐसी मूव वाले स्टॉक हमें मिलेंगे कैसे, ऐसे स्टॉक जो मार्केट में लगभग ऊपर चल रहे हो और अचानक से उनमें पैनिक फॉल आता हो, राइट, पैनिक फॉल आता हो, तो हमें इस तरीके का मूव कैप्चर। अब सवाल ये उठता है कि हम उनसे स्टॉक्स को पर्टिकुलर सेलेक्ट करेंगे, कहाँ पे एंट्री लेंगे, कहाँ पे एग्जिट करेंगे, राइट। तो इसका सबसे बेहतरीन रामबाण इलाज ये है कि आप लोगों को ऐसे स्टॉक्स पर ज्यादा ध्यान देना है जो स्टॉक लगातार वन साइड मूवमेंट की तरफ चल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा एक बात, एक कैंडल ऐसी होनी चाहिए जो तीनों कैंडल को डाइजेस्ट कर ले, जैसे टाटा केमिकल में अभी रिसेंटली हुई। लेकिन पॉइंट यहाँ पे खत्म नहीं होता है, आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट रखना है और जब रैली, जब नेक्स्ट डे या सेम डे 20 SMA के पास आता है, 20 SMA के पास आता है, तो आपने यहां से लॉन्ग का प्लान करना है और आपका टारगेट रहेगा यहां से 5% का, राइट। और दूसरी तरफ आप लोगों ने क्या करना है, स्टॉप लॉस रखना है 1 से 1.5% का, मैक्सिमम 1.5% का आपने SMA रखना, राइट। सबसे पहले मैंने आपको जो ये टेक्निक बताई, दिस इज कॉल्ड थ्री सोल्जर्स टेक्निक, ठीक है। चलो समझते हैं, मैं इन सभी चीजों को एग्जांपल्स के थ्रू भी मैं दिखाऊंगा, हालांकि एग्जांपल दिखा दिया है। चलो समझते हैं दूसरी टेक्निक है क्या। दूसरी टेक्निक है टू कोमा। समझेंगे हम कि टू कोमा लॉजिक क्या है, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने चेक करना है कि कोई भी स्टॉक जो रेंज बाउंड हो पिछले 4-5 दिनों से, है ना, और अचानक से उस स्टॉक में एक ऐसा गैप अप होता है जो कि 2 दिन के प्रीवियस 2 दिन के हाई के ऊपर हो, हाई के ऊपर ओपन होता है, यानी ओपन अबोव 2 प्रीवियस डे हाई। ध्यान रहे, स्टॉक वही कैप्चर करना है जो 4-5 दिन रेंज बाउंड में ऊपर नीचे हो, ऊपर नीचे हो, ऊपर नीचे हो, राइट। ये मैंने पहले भी बताया है कई वीडियोस में, लेकिन इस पूरे लॉजिक को प्ले कैसे करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ये टेक्निक मैं आज आपको बता रहा हूं। अब आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे स्टॉक फाइंड करने हैं जो रेंज में हो, वेट करना है उस दिन का जिस दिन 2 दिन के हाई के ऊपर खुलेगा बाजार। तो आप लोगों ने क्या करना है, एग्जीक्यूशन प्लान में बताऊंगा आप लोगों को बाद में, पहले आप इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए।
तो आप लोगों ने क्या करना है, ओपनिंग बेल पर चेक करना है कि स्टॉक 2 दिन के हाई पर खुला है। वेरी गुड, हम लोग 5 मिनट तक वेट करेंगे, 5 मिनट के बाद हम उसमें ऑर्डर प्लेस करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। दिस इज कॉल्ड 2 कोमा लॉजिक। अब हम आते हैं एक ऐसा लॉजिक जो कि 3 सोल्जर्स के साथ साथ 3 एनिमीज का भी गेम प्ले करता है। तो चलो समझते हैं कि वो तीसरा लॉजिक क्या है, राइट? तीसरा लॉजिक हमारा ये बोलता है कि 3 एनिमीज, अब ये एनिमीज है क्या, ये किसी भी ट्रेंड को किल करते हैं, मतलब उसी ट्रेंड को खत्म कर देंगे। ध्यान से समझना मेरी इस बात को, अगर आप इसी तरीके की टेक्निक्स को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो तरीके से, तो इस पॉइंट को भूलना नहीं। ये पॉइंट मैंने 3 सोल्जर्स से ही निकाला है। ये 3 सोल्जर्स वाला जो गेम करना है वो डेली चार्ट में करना है, डोंट फॉरगेट। 2 कोमा वाला भी डेली चार्ट में करना है, बट 3 एनिमीज वाला 5 मिनट के चार्ट में करना है। तो समझते हैं 5 मिनट के चार्ट में 3 एनिमीज का गेम क्या है। चलो डायरेक्ट आपको एग्जांपल पे ले आता हूं। तो सबसे पहले देखेंगे टाटा कंज्यूमर, और टाटा कंज्यूमर में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, 1 सिंगल कैंडल डाइजेस्ट ऑल दी 4 कैंडल्स, राइट? तो ये क्या गेम है, ये 3 एनिमीज हैं जो कि आपको तरीके से ट्रेंड को किल कर देती है, और यहां से एक नया ट्रेंड चालू हो जाता है। जो कैंडल 4 कैंडल को डाइजेस्ट करेगी उसी तरफ मार्केट जाएगी, ये ध्यान रखना, राइट? यहाँ पे 2 बार ऐसा हुआ है, आप लोगों को प्रॉफिट में क्वांटिटी बढ़ाने का सिस्टम भी यही तरीका है। यही सिस्टम आपको बार बार मिले तो आप बार बार उसके अंदर इस तरीके से एंट्रीज कर सकते हो, ये ध्यान रखना है आपने। इस खास टेक्निक में ये खास प्ले है, तो आप लोगों को इसको भूलना नहीं है। तो देखते हैं दूसरा कौन सा स्टॉक है। दूसरे स्टॉक में यहाँ पे टाटा मोटर है, इधर भी क्या किया है, इस सिंगल कैंडल ने 4 कैंडल को डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद ऊपर। उसके बाद टाटा स्टील, सेम तरीके का टाटा स्टील भी है, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे 4 कैंडल ने यहाँ पे डाइजेस्ट किया, उसके बाद ऊपर, हालांकि ज्यादा रैली नहीं आई, बट डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल ने रैली कैप्चर कर लिया, उसके बाद नीचे। ऐसे ही ये देखिए टाइटन, टाइटन में भी इसी तरीके से सारी कैंडल्स उसने डाइजेस्ट कर ली, और इस तरीके के बाद मार्केट नीचे। ट्रेंट में भी इसी तरीके से हुआ, इस कैंडल ने डाइजेस्ट कर ली 3 कैंडल, उसके बाद नीचे। वेदांता में भी इसी तरीके से हुआ, कैंडल डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद नीचे। ये लॉजिक आपके आंखों के सामने है लेकिन आप लोगों को ध्यान नहीं जा रहा। ये देखो वोल्टास में भी क्या हुआ, इस पूरी कैंडल ने 4 कैंडल को डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद नीचे। सीमेंस में भी नीचे के लेवल पे इसी तरीके से इस कैंडल ने 3 कैंडल को डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद ऊपर। उसके बाद इसी तरीके से श्रीराम फाइनेंस ने किया, उसके बाद नीचे। उसी तरीके से आज SBI में हुआ, 4 कैंडल को डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद नीचे। उसी तरीके से आज ONGC में हुआ। ऐसे बहुत तरीके, बहुत स्टॉक हैं, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। देखो इधर भी हुआ, तो रैली बार बार कंटिन्यू करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है, जिसको मैंने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। परखा, समझा कि एक्चुअल में बड़ी पोजीशन एक साइड आने का रीजन क्या है, आखिर एक फुटप्रिंट छोड़ता क्या है। तो इसी तरीके से जो मैंने अभी आपको गेम बताया, 3 सोल्जर्स का दिखाया, राइट, 3 एनिमीज का दिखाया, राइट, तो अब हम देखेंगे 2 कोमा का बेहतरीन एग्जांपल। तो सबसे पहले हम चलेंगे TCS पे। TCS में देखिए स्टॉक रेंज बाउंड था, अचानक से 2 दिन बाद हाई के ऊपर खुला, स्टॉक बूम। TECM देखिए रेंज बाउंड में था, उसके बाद हाई के ऊपर खुला, उसके बाद बूम। ऐसे ही टाटा स्टील था, स्टॉक रेंज बाउंड में था, 2 दिन के हाई के ऊपर खुला, बूम। ऐसे ही टाटा मोटर था, 2 दिन रेंज बाउंड था, उसके बाद 2 दिन के हाई के नीचे खुला, उसके बाद डाउन। ये बड़ी मूव किस तरीके से आ रही है, वो मूवमेंट कैप्चर करने का तरीका है। इधर भी सेम तरीका है, स्टॉक रेंज बाउंड में था और उसके बाद 2 दिन के हाई लो के नीचे खुला, उसके बाद डाउन। व्हाट आई एम टेलिंग यू, पिक्चर आपके सामने है लेकिन आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। देखो किस तरीके से मैंने इन लॉजिक्स को सटीक तरीके से इस्तेमाल करके 1,00,000 से 80,00,000 रुपए बनाए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोई एडिटिंग नहीं है, क्लियर कट लाइव लिंक है। अगर आप देखोगे अप्रैल में ये चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था, अभी मैं अमाउंट भी दिखाऊंगा आप लोगों को। अप्रैल में मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था, उस टाइम से लेके मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में मैंने ये चैलेंज खत्म कर दिया। सितंबर में मैं रेस्ट कर रहा हूँ। जब मैंने समझा कि मेरी लॉजिक्स सही तरीके से काम कर रही है, इस
पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मैंने 4 लॉजिक्स का इस्तेमाल किया है, उनमें से 2 लॉजिक्स मैंने अभी आपको बताए हैं और एक बेहतरीन मास्टर ट्रिक जिसका इस्तेमाल मैं रोज करता हूँ। ओपनिंग बेल पे स्ट्रोक सिलेक्ट कैसे करते हैं, फिल्टर का इस्तेमाल करता हूँ, इस तरीके से करते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्योर एक्शन। जो आप लोग मार्केट में कभी ये नहीं सोचते, आज स्ट्रोक गेनर जो बना है इसके पीछे का रीजन क्या है, ये क्यों ऊपर चल रहा है, क्यों स्ट्रोक गेनर से कोई स्ट्रोक टॉप लूजर आ जाता है, आखिर ये ऊपर से ऐसा क्या सिम्टम दिखाता है जो आपको समझना चाहिए, राइट। दिस इज कॉल्ड द प्योर मैजिक। आप लोगों को ये समझना है कि मार्केट में टेक्निकल थ्योरी से पैसा नहीं बनता है, आप लॉजिक्स पे काम करो, लॉजिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड करो, ठीक है। मैं आपको दूसरा अकाउंट भी दिखाता हूँ जहां पे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इसी अकाउंट को दिखाता हूँ आप लोगों को कि इस अकाउंट का जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो ये कहाँ पे था। तो अप्रैल में अगर आप देखोगे तो कैश बैलेंस था, अप्रैल में कैश बैलेंस की तरफ ध्यान रखना आप, 63,000 के आसपास था, ठीक है। देखो 50,000 रुपए डाल के 63 से स्टार्ट किया था, उसके बाद कैश बैलेंस कितना हो गया 11 तारीख को 2,64,000, उसके बाद कंटिन्यूअस देखो कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कैश बैलेंस। देखो आप विड्रोवल भी हो रहा है, पे आउट भी हो रहा है, 50,000 का पे आउट भी कर लिया। इधर देखो अगर आप देखोगे एक चीज कंटिन्यूअसली कैश बैलेंस बढ़ता जा रहा है, देखो पे आउट भी बढ़ रहा है, कैश बैलेंस भी बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे 5,00,000 हो गया है। तो कंटिन्यूअसली ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पे आउट निकालते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, पे आउट निकालते जा रहे हैं। इसी तरीके की टेक्निक को मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया जिन्होंने मेरे जैसा काम करके दिखाया। मुझे ये समझना था कि एक्चुअल में ये पूरा गेम मैं ही कर सकता हूँ या और कोई भी कर सकता है। तो मैंने 30 दिन मैंने ट्रेंड किया अपने जूनियर को, उन्होंने एक काम किया, आज मैं उनका भी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइज इन्हीं सब लॉजिक्स का इस्तेमाल करके ये दूसरा अकाउंट है जिसमें 1,00,000 की कैपिटल से 80,00,000 रुपए बनाए। और ये जो लोग अपस्टॉक का अकाउंट यूज करते हैं उनको अच्छे से पता है कि ये जो विनिंग ट्रेड दिखा रहा है ना, ये 15,000 ट्रेड नहीं लगे हैं इस अकाउंट में, ये ऑर्डर काउंट करता है। अगर आप एक कोई भी कॉल बाय करते हो, पुट बाय करते हो, उसका ऑर्डर हटाते हो, लगाते हो, हटाते हो, लगाते हो, या पार्शली बेचते हो, तो वो सब ऑर्डर काउंट करता है। तो आप इसकी तरफ ध्यान ना जाइएगा। एक जगह मैंने ये दिखाया था, वहां पे लोगों ने बताया कि इस तरीके से ये होता है, तो हम लोगों ने भी इसको नोटिस किया। तो आप लोग क्या है इस तरीके को ध्यान से देखिए कि कैसे 80,00,000 रुपए इसमें बनाए 1,00,000 से, और जानते हो कितने टाइम फ्रेम में। चलो वैसे तो ये यहाँ पे दिख रहा है 1 जून से 16 अक्टूबर तक, और ये यहाँ पे देख भी सकते हो। देखिए कंटिन्यूअस जून, जुलाई, अगस्त, इन्हीं सब लॉजिक्स का इस्तेमाल करके, ये 2 लॉजिक्स के अलावा 3 लॉजिक्स और हैं जिन पे हम लोग काम करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये कोई मैजिक नहीं, एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस वाला सिस्टम है, और ये आप भी कर सकते हो गाइस। लेकिन आपको अगर ये सही लॉजिक्स इस्तेमाल करने आ जाएं तो आपने दिन में 5 से 7 ट्रेड करने हैं, दैट्स इट। ये रूटीन आपको बनाना पड़ेगा। यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गनेस थिंग है जो हमें मार्केट में विनिंग जोन में रखती है। मैं अपना दाव कभी भी 1 और 2 स्ट्रोक्स में नहीं करता, मैं अपना दाव हमेशा 5 से 6 स्ट्रोक्स में प्ले करता ही करता हूँ। मिनिमम टू मिनिमम मैं 4 स्ट्रोक्स में डेली काम करता हूँ, राइट। अगर आप इसी तरीके से ये पूरा गेम प्लान सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आई इनवाइट यू फॉर माय प्रॉफिट प्रथम प्रोग्राम, जहां पे मैंने इन्हीं सब लॉजिक्स को एक बेहतरीन तरीके से डिजाइन करके आप लोगों की रिक्वेस्ट पर उसको लेकर आया हूँ। पैसा बनाने के लिए हमें सिर्फ एक सिंपल एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए कि ट्रेड डालते वक्त कंफ्यूजन ना। दूसरा, स्टॉक सिलेक्शन बहुत बड़ी पावर है। अगर आप सही स्टॉक सेलेक्ट कर लिए तो उसमें तुक्का भी मारोगे तब भी आप पैसा बना लेंगे। आपका सेलेक्ट किया हुआ स्टॉक टॉप गेनर में आएगा, टॉप लूजर में आएगा। बस इतना जान लो कि ये करना बहुत आसान है, लेकिन ये आसान तरीका आप तभी समझ पाओगे जब आप तरीके से उन लॉजिक्स के ऊपर बिलीव करोगे, और जो गेम मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा सारा का सारा सटीक तरीका आप लोगों को बताऊंगा, तभी आप ये गेम कर पाओगे। और इस प्रोग्राम की इतनी कॉस्ट नहीं है, ये एक प्रोग्राम है जिसमें मैं आप लोगों को इस टेक्निक को लगातार 45 डेज तक लाइव हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगा कि कैसे इस ट्रिक को इस्तेमाल करना है, कैसे क्या करना है। 20 अक्टूबर को ये लाइव वेबिनार होगा,
जिसमें मैं 3 से 5 घंटे आपको बताऊंगा कैसे कैसे लॉजिक्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। 45 डेज का हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। अगर इफ एनी केस आपको कुछ समझ में नहीं आता तो रिकॉर्डेड क्लास का आपको एक्सेस मिलेगा 1 वीक के लिए, ताकि आप इजीली उस चीज को ग्रैप कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको, अब जो वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इंट्राडे में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है, फिल्टर कैसे करना है, एग्जीक्यूशन करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर तरीके से आप लोग सीखना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो इस वीडियो में मैं दूंगा, ज्वाइन इट राइट नाउ। इस प्रोग्राम की इतनी कॉस्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, इट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ योर पॉकेट, और ये आपका 1 स्टॉपलॉस अमाउंट है, बस इतना जान लो, 1 स्टॉपलॉस अमाउंट। क्या वापस से इस स्टॉपलॉस अमाउंट को खोना चाहते हो, या सेम अमाउंट में अपने आप को एक लूजर से विनर बनाना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। वापस से लूजर बनना है या विनिंग जोन की लाइन में खड़ा होकर प्रॉफिट का मजा लें। भूल जाओ सभी लोगों को जिनसे भी आप लोगों ने टेक्निकल सीखा है, कुछ भी ज्ञान सीखा है, बस इतना ध्यान रखना अब जो मैं आपको बताऊंगा इस वेबिनार में। मैं चाहता तो इसका प्रमोशन पहले भी कर सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता ज्यादा लोग इसमें आए, इसमें सिर्फ वही लोग आए जिन लोगों को मुझ पर फेथ है। ये प्रोग्राम वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आपके पास ये प्रोग्राम दोबारा नहीं आएगा। इन्हीं लोगों को आगे मैं पूरा नॉलेज प्रोवाइड करूंगा, ताकि आगे ये अपने आप को स्किल इंप्रूवमेंट में ला सके। और इसी प्रोग्राम के अंदर से मैं कुछ 40 से 45 लोगों को मैं उठाऊंगा जो लोग मेरे लिए मेरा फंड मैनेज करेंगे, लेकिन उन लोगों के सेलेक्ट करने का कैटेगरी ये है जब मेरी चीजों को वो सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अब इस वीडियो को ध्यान से देखना, 1 मिनट की वीडियो है, इसको ध्यान से देखना ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आज भी आप तुक्का ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हो, 10 तुक्के मारते हो और 2 बार पैसा कमा लेते हो, और 10 दोस्तों को बोलते हैं देख तेरा भाई मार्केट से पैसा कमाता है। सच्चाई ये है कि आप तुक्के से पैसा बना रहे हो, और मेरे पास एक लॉजिक है जिससे मैं रेगुलरली कॉन्फिडेंस से पैसा बना रहा हूँ। आप जब पैसा खोते हो तो आप कॉन्फिडेंस भी खो देते हो। जब मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस नहीं खोता, क्योंकि 10 में से 8 बार मेरा लॉजिक सही काम करता है। वहीं पे 10 में से 2 बार आप तुक्के से पैसा बना रहे हो और 8 बार लूज कर रहे हो। अरे तुक्का भी ऐसा मारो सही स्टॉक सिलेक्शन में कि आपका सेलेक्ट किया हुआ स्टॉक टॉप गेनर में पहुंच जाए, समझे? इसको बोलते हैं सही स्टॉक सिलेक्शन। आई डिजाइन प्रॉफिट प्रथम प्रोग्राम, जहाँ पे मैंने एक लॉजिक को सही तरीके से कैसे यूज करना है वो बताऊंगा। दूसरा, सही स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें जो कि पूरे दिन एक तरफा रैली करे, टॉप गेनर और टॉप लूजर की लिस्ट में आए। तीसरा, आखिर प्रॉफिट टेबल सिस्टम क्या है, प्रॉफिट में राइड कैसे किया जाए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे किया जाए। चौथा, ओमो को कैसे कंट्रोल किया जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जितने भी ट्रेनर आप लोगों को बोलते हैं कि फोमो फोमो फोमो, भैया पहले खुद तो फोमो कंट्रोल कर लो। सो इस प्रोग्राम में मैंने अपना 4 साल का वो बैड एक्सपीरियंस मैंने बताया है जिससे मैंने पैसा खोया था, लेकिन अपनी गलतियों को मैंने मार्कअप करके उसी सिस्टम को लूजिंग से विनिंग जोन में लेके आया, और आज मैं पैसा बना रहा हूँ और मेरे जूनियर्स भी बना रहे हैं। जानना चाहते हो कैसे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। डोंट मिस 20 अक्टूबर, जाना नहीं है। 45 डेज की हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। लाइव जो करता हूँ वही सिखाऊंगा और वही आपके हाथ से करके दिखाऊंगा। आना चाहते हो आ जाओ, डोंट मिस, मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं।